नहीं छोटी भी बर्तन वाली लक्ष्मी जी की चेली ये मेरे जिजवान माता ने परवर को चेयरमैन बने हमारी तब। नव वर्ष के उपलक्ष्य में किन पुरुष सहित दिव्यांग जनों को सम्मानित करके देश को दिया यह संदेश? डॉक्टर अनीता गुप्ता नगरपालिका भरतना पूर्व प्रत्याशी ने अपने आवास पर नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करके नगर के किन पुरुष सहित दिव्यांग जनों को पुष्पमाला पहनाकर उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व उन्होंने मां लक्ष्मी की आरती करके मां सरस्वती की वंदना की। उसके पश्चात उन्होंने एक दर्जन किन पुरुष दिव्यांग जनों तथा पत्रकारों को सम्मानित किया। सम्मानित हुई छोटी बहू ने डॉक्टर अनीता गुप्ता के सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं लक्ष्मी जी की चेली आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। डॉक्टर अनीता गुप्ता ने सभी को चाय नाश्ता कराकर उपहार भेंट किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने आज अपने आवास पर नव वर्ष के उपलक्ष्य में किन पुरुष और दिव्यांग जनों का सम्मान किया है। उन्होंने आगे कहा, सम्मान करने का हमारा उद्देश्य यह है कि इन लोगों को भी समाज में बराबरी का दर्जा मिले, समाज का हर वर्ग उनको सम्मान की दृष्टि से देखे, ताकि यह लोग भी अपना समाज में सही ढंग से जीवन यापन कर सकें। आज मैंने भैया नव वर्ष के उपलक्ष्य में किम पुरुष और विकलांग जनों का सम्मान किया है, और इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि मैंने इन लोगों को, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों को भी समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाए, और सबके बराबर उठने बैठने हर चीज़ का जो एक दर्जा होता है और सम्मान दिया जाए। मैं ये चाहती हूँ समाज का हर वर्ग इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखे और उचित इनका सम्मान किया जाए, ताकि ये लोग भी समाज में सही ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें। बस मेरा जो ध्येय है इनके प्रति बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनको समाज में वही दर्जा दिया जाए जो हम लोगों को मिलता है, और पढ़ लिख कर ये लोग भी आगे बढ़ें। और मैंने इनके साथ साथ समाज के उन व्यक्तियों का जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनको भी सम्मानित किया है, ताकि इन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़कर हम लोग इन्हें भी आगे लाएं और इनके बच्चों की और इनकी स्वयं की अच्छे से देखभाल कर सकें। बस यही हमारा कार्यक्रम का मेन वो था, इसलिए मैंने हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम को नव वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया है।